और आज पूरे देश में रोजगार मेले का आयोजन विभिन्न शहरों में किया गया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सफल अभ्यर्थियों को संबोधित किया। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शताब्दी सभागार में आयोजित रोजगार मेले में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल शामिल हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे और अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र पाकर सरकार को धन्यवाद भी दिया। दिसंबर 2023 तक हमें 10 लाख नौकरियां देनी थी, लेकिन आज ही हम 9 लाख से ऊपर जा चुके हैं। 45 अलग अलग स्थानों पर आज रोजगार मेला का नौवां संस्करण आयोजित हुआ है, जिसके माध्यम से 51,000 युवाओं को भारत सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के अलग अलग विभागों में नौकरी के नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। बहुत खुश हैं इस नियुक्ति पत्र पाकर, और इस सरकार की जो योजनाएं चल रही है इससे बहुत प्रभावित है, और जो कार्यशैली है, जो कार्य करने की दर्शाती है, जो स्पीड में जो वैकेंसियां क्लियर हो रही हैं ये पहले नहीं होती थी, इससे हम तहे दिल से मोदी जी को धन्यवाद देते हैं और युवा बहुत इनसे उत्साहित और प्रभावित है। मैंने बीएससी किया है बायोलॉजी से। मेरे पिताजी थर्मल पावर प्लांट में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। मेरी माता जी गृहिणी है और मैं आज मुझे नियुक्ति पत्र मिला है प्रधानमंत्री जी से शाखा डाकपाल के पद पर, जिसे मैं बहुत ही ईमानदारी और दृढ़ निष्ठा से आगे उस पर कार्य करूंगी।